ये ब्रिज है, रोड है ऊपर, नीचे से कश्तियाँ, बड़ी कश्तियाँ जो गुजरती हैं, देखो तो उसके लिए ये ऊपर चला जाता है और बाकी छोटी मोटी कश्तियाँ वैसे गुजर जाती हैं। तो अभी मैं कल आई थी सब चेक करने के लिए जो है इन्होंने सिर्फ वो ब्रिज जो है वो हाइक किया था, तो वापस लोअर नीचे आ रहा है और वापस कनेक्ट हो जाएगा लेवल पे और गाड़ियाँ जो है वो गुजर सकेंगे। एक्चुअली में ये कैनाल है, लगती रिवर की तरह काफ़ी बड़ी है लेकिन कैनाल है, ये नहर है और डीप भी है। यहाँ पे काफ़ी लोग फिशिंग करने भी आते हैं पर इस वक्त जो है ज़्यादा लोग फिशिंग नहीं कर रहे, उसकी वजह ये है, कोई बल्कि कोई भी नहीं कर रहा, उसकी वजह ये है कि अभी ये बोट्स वगैरह जो है ये आ जा रही हैं, यहाँ से समंदर की तरफ जाती है, तो जब वो बोट्स वगैरह आ जा रही हों तो उस वक्त जब फिशिंग जो है वो मतलब ज़्यादा वो आप फिश कैच करना जो मुश्किल हो सकता है, तो इस वजह से लोग जो है या तो सुबह को आते हैं या फिर शाम को मगर टाइम वो सब आते हैं। ये सारी ये किनार है, लोग कोई आ रहा है कोई जा रहा है, और पानी भी जो है वो काफ़ी क्लियर है, यहाँ से तो नहीं नज़र आता लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ इधर से। पानी भी जो है वो काफ़ी क्लियर है, अच्छी जगह है फिशिंग के लिए, अभी फिशिंग वगैरह करने के लिए आना चाहे तो फिशिंग करने के लिए भी आ सकते हैं। और ये जो है ये फैमिली जो है जा रही है एंजॉय करने के लिए, और ये इन्होंने यहाँ पे लाइफ जैकेट्स वगैरह रखी हुई है गवर्नमेंट ने, सो ताकि अगर कोई अगर गिर जाए बाई मिस्टेक तो इसके अंदर जो है वो जो होता है क्या कहते हैं फ्लोटिंग टायर्स जो होते हैं ज़िंदगी बचाने के लिए वो हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, इसमें से निकाल के वो देख सकते हैं अब ट्रैफिक जो है वो उसके ऊपर से पुलिस के ऊपर भी आ रही है। और ये पानी भी ये नहर जो है अच्छी खासी गहरी है, ये जो है ये से फिशिंग नहीं कर रहा, किसी को बाधा नहीं कर रहा, तो आई थिंक मेरे ख्याल से एक बोट जो है वो ख़राब हो चुकी है तो वो दूसरी बोट जो है उसको साथ बांध के जो है वो खींच के ले जा रही है। Hey, good afternoon. What's going on? Break down? Yeah. पानी भी देख सकते हैं कि पानी ऐसे लग रहा है जैसे कि वो टाइट जो है वो वापिस हो रही है। और ये एक्चुअली पानी जो है वो कश्तियों को बहा के लेके जा रही थी, वो इधर उधर ठंड नहीं कर रहे हैं तो पानी के ऊपर ही तैरते तैरते जा रहे हैं, आराम से गपशप मारते हुए जा रहे हैं। या फिर वो आई थिंक वापस आना चाह रहे इधर को, वो देख सकते हैं आप एक और बड़ी बोट आ रही है, देखिए नीचे से क्रॉस कर रही है, बट इतनी और ज़्यादा ऊँची नहीं है कि इसके लिए ब्रिज खोलना पड़े ऊपर उठाना पड़े आई मीन। लोगों के अपने प्राइवेट बोट हैं, लोग अपना एंजॉय कर
after this. थोड़ा दुनिया से इंसान कट ऑफ होता है और बिल्कुल एक साइड पे तन्हाई है, सुकून थोड़ा इंसान जो करता है, सुकून क्या करता है मतलब इंजॉय होता है, यानी कि थोड़ा दुनिया के झमेलों से बंदा थोड़ी देर के लिए साइड पे चला जाता है। सब वो ऊपर जो है वो ड्राइव जो कर रहा है मतलब वो ऊपर गए एक और छोटी बोट आ रही है। अब वो पुलिस वाला जा रहा है जो भी वो जो भी बोट जो खराब हुई थी उसको छोड़ के ऐसे ट्रेलर है वो ट्रक आगे उसके पीछे ट्रेलर इस तरह से वो गाड़ी के पीछे बांध लेते हैं और बोर्ड जो है वो इसके ऊपर ही इसके पीछे लगा लेते हैं, तो ये जब उतारनी हो या रखनी होती है ट्रेलर पीछे को तो वहाँ के पानी के अंदर रखे ले जाते हैं और वहाँ पर बोर्ड उतार देते हैं और फिर ये ट्रेलर पाई ले जाते हैं। जब वापस जब ट्रेलर पर डालनी हो बोर्ड इसी को बैग इस तरह करके यहाँ पर पानी के जब पानी ऐसे तो लेवल है तो यहाँ पे नीचे का जाके ट्रेलर को इसके ऊपर बोर्ड डाल के तो फिर बाइक खींच के लिए और ये साथ थोड़ा सा रास्ता भी बना हुआ है यहाँ से मतलब अंदर वाले चले जाते हैं नहर से होते हुए फिर समंदर की तरफ निकल जाते हैं। अंकल जी आ रहे हैं, ये भी मेरे ख्याल से शायद फिशिंग के शौकीन है तो फिशिंग करने के लिए ही जा रहे होंगे यकीनन आई थिंक। इस तरह डिफरेंट टाइप की बोट होती है, कुछ छोटी होती है कुछ बड़ी होती है। हाउ आर यू गोइंग फॉर फिशिंग? गुड। तो ये जो है फिशिंग के लिए जा रहे हैं दो अंकल है, एक्चुअली मैं दोनों दोस्त होंगे तो वो एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। ये एक और बोट है आई थिंक वापस आ रहे हैं ये। अच्छा एक्चुअली मैं ये वो जो हम लोग मैनस कुमार रिजर्वायर उस दिन गए थे ये वही रास्ता है, यहाँ से जो है इस तरह से निकल जाते हैं इधर को और इधर को भी जो है मैनसकान रिवर है, वो जो रिवर जो मैं आपको बता रहा था कि वहाँ से लोग मतलब बाहर समंदर की तरफ फिर निकलते हैं, तो ये ऐसी वो मैनसकान रिवर है जिसके वो समंदर के साथ जो मिलाता है जो हम लोग उस दिन बीच पे जब जा रहे थे तो दिखाया था, तो इस तरह लोग जो है ये यहाँ से होके निकलते हैं फिर समंदर की तरफ।